नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज से केशव गौतम। आखिर क्या है ऐसी बात, पासी समाज के बिगड़े हालात, कभी माफियाओं के शिकार तो कभी पुलिस का अत्याचार। जिस जाति के सर्वाधिक सांसद विधायक चला रहे सरकार, वही अपने को महसूस कर रहे लाचार। 3 दिन पहले रामचंद्र पासी मरे थे, पड़ी थी बंथरा पुलिस की मार। आज सठवारा प्रधान को थाना गोसाईगंज पुलिस पिटाई कर हुई फरार। आगे सुनिए पीड़ित के मुंह कैसे हुआ अत्याचार। नमस्कार साथियों, क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनने जा रही है आजमगढ़, जहां पर आजमगढ़ के एक ग्राम प्रधान को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से उसके बाद गांव के जनता के द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर एक बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ा कारनामा हुआ। पुलिस का घर ढहाया गया, फिर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ये प्रकरण अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्राम सठवारा में एक बार फिर पुलिस ने अपनी वर्दी का रौब दिखाया और एक अनुसूचित जाति के एक ग्राम प्रधान को प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का काम किया। ये घटना है ग्राम सठवारा की। कल सायं 5 बजे बताया जाता है कि दो लोगों के बीच में कुछ नाली का विवाद था और वहां पर ग्राम प्रधान सुखाई रावत को पहुंचना था, बुलाया गया था। खबर से मिलने पर वो गांव में खेत से घर आए थे और जब तक वो हाथ मुंह धो के कपड़े पहनना चाहते थे तब तक दो सिपाही मौके पर पहुंच गए और उनको ऐसा बताया जाता है कि ग्राम प्रधान पर उन लोगों ने हमला किया, थप्पड़ों से मारा, अपमानित किया और ऐसे प्रधान को गाली दिया और कहा कि आप शराब पीते हो, जबकि सच्चाई है कि बताया जाता है कि प्रधान जी आप बताइए क्या नाम है आपका? सुखाई लाल। कहाँ के प्रधान है आप? सठवारा। कौन सी जात के हैं? पासी। कल क्या हुआ? कल वहाँ पे हम पुलिस आए थे, वहाँ विवाद था दूसरे आदमी। किसका किसका विवाद था? महेश हाँ और नंदन का, नंदन के बीच में। फिर क्या पुलिस ने क्या कहा आपसे? वो हमको सूचना दिया तो हम खेत में थे तो खेत आ रहे थे तो वहाँ पे घर पर गए, वहाँ हैंड पाइप धोने लगे और वहाँ से आ गए पुलिस वाले ने हैंड पाइप और पूछने लगे और बस मुँह सूंघ गए ना उसके बाद मारने लगे वहाँ पे, कहीं वहाँ फैसला क्यों नहीं आया वहाँ पे। मुँह सूंघा क्या कहा? मुँह सूंघ के तो क्या कहा? कहा तुमने शराब पिया? हम कह रहे हैं शराब कहाँ पीते हैं? आप शराब पीते हो? नहीं, हम भगत आए थे। कहाँ से भगत हुआ? कोटवाधाम के। कोटवाधाम से कई साल से पहले से भगत हो? आज 15 साल हो गए। गांव की और जनता इकट्ठा हो गई थी? हाँ, जनता भी इकट्ठा हो गई रहा। जब जनता इकट्ठा हुई तो पुलिस वाले फिर क्या किए, कहाँ चले गए? फिर भाग गए। जब जनता का दबाव बढ़ा तब पुलिस वापस चली गई और बताया तो भी जाता है कि पुलिस वालों ने अग्रिम पेशबंदी में जाके इस ग्राम प्रधान के खिलाफ भी एक तहरीर कोई दी रखी है, जिस तरीके से अखबारों में आ रहा है, जिस तरीके से मीडिया में आ रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जैसा बता रहे हैं कि निश्चित रूप से कोटवा धाम से जो कि मशहूर धाम है जगजीवन साहब का, और वहां से अगर वो भक्त हैं, शराब पीते ही नहीं है, तो क्या क्या वजह हो सकती है? पुलिस ही ले डूबेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आप चाहे इतना बढ़िया काम कर रहे हो, अगर पुलिस में आपका नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप से ये एक अपमानजनक घटना है। अगर ग्राम प्रधान के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आम जनता के साथ कैसा होता होगा।